कर्नाटक में कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के पास एक और चीज है जो नहीं है, और वो है सीएम फेस को लेकर नाम। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों कांग्रेस नेताओं के सामने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज है सीएम फेस का ऐलान करना। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया का नाम शामिल है। अब कांग्रेस का कौन सा सेनापति संभालेगा कर्नाटक की कमान, इसके बारे में इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस ये चुनाव जीत तो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पार्टी अपने सीएम फेस को लेकर कश्मकश में है। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया को आगे रखकर ये चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन अब तक सीएम फेस को लेकर नाम क्लियर नहीं हो सका है। इसके पीछे वजह हो सकती है मुख्यमंत्री पद के लिए इन दोनों ही नेताओं के बीच चली आ रही दशकों पुरानी राइवलरी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए ये मुकाबला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। दोनों के ही समर्थक कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। वहीं डीके शिवकुमार पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कर्नाटक में वो अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में काम करने के लिए ही तैयार है, यानी वो सिद्धारमैया की अगुवाई में काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इन चुनावों को लड़ने के लिए दोनों नेताओं के बीच की ये नाराजगी नजर नहीं आई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी कांग्रेस की तरफ से कई बार सीएम की रेस में सामने आ चुका है। अब तीनों नामों से कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज किसी एक नाम को चुनना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खड़गे साहब की, जो तीन बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, साल 1999, साल 2004 और फिर साल 2013 में पूरे चांसेस थे कि खड़गे कर्नाटक के सीएम बनते, लेकिन हर बार की तरह समीकरण उनके खिलाफ बैठे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान ही नहीं हो पाए। सबसे पहले 1999 में एस एम कृष्णा को उनकी जगह सीएम बनाया गया, फिर साल 2004 में एन धर्म सिंह ने वो कुर्सी संभाली और फिर 2013 में पॉपुलर वोट सिद्धारमैया के पक्ष में रहा। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस बार कांग्रेस आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सीएम फेस के लिए आगे कर दे। वहीं बात करें राज्य पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार की, तो वो अपनी सीट कनकपुरा से 8 बार विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने जीत दर्ज की है। शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं और संकट के समय अन्य राज्यों के कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक में सुरक्षित रखने के लिए गो टू मैन रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि शिवकुमार पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी धन जुटाने के लिए भरोसा किया जा सकता है, लेकिन शिवकुमार पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मामले दर्ज हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सभी फायदे और नुकसान पर विचार करना होगा। बात करें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बारे में, तो मैसूरू जिले के सिद्धवार मनहुंडी से आते हैं वो और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सिद्धारमैया के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी को सिद्धारमैया पर पूरा भरोसा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने और कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सिद्धारमैया सबसे बड़ा दाव होंगे। मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के कुछ कार्यों, टीपू सुल्तान को इतिहास से हटाना और उनका महिमा मंडन करना, जेल से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे PFI और SDPI के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करने के फैसले ने हिंदुओं के बीच उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ाई और एक अच्छा प्रशासन देने में वो विफल रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब कांग्रेस ये कर्नाटक का चुनाव जीत चुकी है, तो वो इन तीनों अपने बड़े नेताओं में से जो कर्नाटक की कमान है वो किसे सौंपता है। खैर, आने वाले समय में बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।